हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, उसके बारे में आप लोगों को जो है ये चैप्टर करवा रहा हूँ। काफ़ी सिंपल वे में है। सबसे पहले हमारा होता है एसिड। एसिड को हम अम्ल कहते हैं। ये होता क्या है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड्स यानी कि आयनिक कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस, तो इसे हम कहते हैं एसिड। ये हमारा एसिड यानी कि अम्ल कहलाता है। तो हमारे कुछ एसिड्स होते हैं एग्जांपल, जैसे HCl, H2SO4 और NHO3। अब अगला हमारा टॉपिक्स ये बनता है कि भाई हम कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और कुछ एसिड्स होते हैं जो वीक होते हैं, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं विच एसोसिएट कम्प्लीटली इन डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूस H प्लस आयन, यानी कि विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूस H प्लस आयन्स, यानी कि पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है प्रबल अम्ल। वीक एसिड वो होते हैं, इसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल वो होते हैं विच डिसोसिएट पार्शली इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन्स, यानी कि विच डिसोसिएट पार्शली इन वाटर एंड प्रोड्यूस एच प्लस आयंस, तो इसे हम कहते हैं वीक एसिड। अब हमारे पास कुछ जो है एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गए HCl, दूसरा हमारे पास आ गया H2SO4, तीसरा एग्जांपल हमारे पास है HNO3। इसी तरह जो वीक एसिड है उनके कुछ एग्जांपल्स हैं CH3COOH, और एक होता है लैटिक एसिड। ये इनके एग्जांपल्स हैं। अगला हमारा आता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड को कहते हैं हम लोग सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। ये दय होगा। सांद्र अम्ल में क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट करता है हमारा वाटर के साथ, तो इसके अंदर जो एसिड की मात्रा होती है इसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार के एसिड्स को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कहते किसे हैं, यानी कि इसे कहते हैं तनु
अम्ल, हिंदी में कहते हैं तनु अम्ल। ऐसे ही जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि इसमें एसिड की जो होती है लेस अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड की मात्रा इसमें कम होती है और इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की इसमें मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ एसिड्स। तो दो प्रकार के एसिड्स होते हैं, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड को हम कहते हैं खनिज अम्ल और ऑर्गेनिक एसिड को कहते हैं हम कार्बनिक अम्ल। तो ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम रॉक्स, जो हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं मिनरल एसिड्स यानी खनिज अम्ल, और ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स नेचुरली, जो हम प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं हम कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स। हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले जो एसिड्स होते हैं सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये गिव राइज टू साल्ट एंड वाटर, यानी कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट एंड वाटर आपको देगा। साल्ट होता है लवण, इसको हम क्या बोलते हैं, लवण, और ये सोर का मतलब होता है खट्टा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये जो है लिटमस पेपर है, अगर ब्लू लिटमस पेपर पर को हम एसिड उसमें डालते हैं तो वो उसे रेड कर देता है, तो ये आ जाएगा टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये हमारे जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी कि जो भी ब्लू यानी कि नीला जो लिटमस पेपर है अगर हम उस पर डालते हैं अगर किसी एसिड को तो उसे वह लाल कर देता है। और नेक्स्ट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉपर्टीज है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो ये देते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई भी एसिड, हमेशा ध्यान रख लेना, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर देता है। ये आपकी पांच प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, अम्ल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूजेज ऑफ एसिड, एसिड के यूज क्या है। तो सबसे पहले इसकी यूज है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पेंट एंड डाइज, पेंट और डाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पेंट एंड डाइज। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज है, इट इज़ यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, सफाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है टॉयलेट में या फिर जो है जहाँ पर भी सफाई करनी होती है ये उनका वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कार बैटरीज में जो भी बैटरी होती है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूज्ड इन कार बैटरीज। नेक्स्ट, इसका यूज किया जाता है रस्ट रिमूवल में, यानी कि कहीं पर जंग लगा हो उसे हटाने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं। एक्ट एज ए रस्ट रिमूवर, ये रस्ट रिमूवर्स के रूप में कार्य करता है। तो ये सारे जो है वो यूजेज ऑफ एसिड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस। बेस को कहते हैं क्षार। तो बेस का और एसिड की डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। देखिए, जब भी एसिड में हमने बताया था कि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी कि कोई भी आयनिक यौगिक अगर पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन। मगर बेस में उल्टा होता है, आयनिक कंपाउंड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो OH- आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बेस। अब बेस में देखिए, बेस के एग्जांपल्स कुछ हैं आपके पास, ये हमारे पास एग्जांपल जैसे NaOH, NH4OH, KOH, ये एग्जांपल्स हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है प्रबल क्षार, और वीक बेस को कहते हैं हम दुर्बल क्षार। तो ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इट वाटर इन वाटर, जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, टू प्रोड्यूस OH- आयन्स। देखिए डेफिनेशंस बेस की एसिड से ही मिलती है। यहाँ पर क्या है कि OH- आयन्स, उसमें H+ आयन था एसिड के अंदर, बेस में OH- आयन है, इसका आ जाएगा विच डिसोसिएट पार्शली इन वाटर टू प्रोड्यूस OH- आयन्स। ये हमारे वीक स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, यानी कि वो पार्शली पूरी तरह से घुलते नहीं है, बच जाते हैं, उन्हें हम वीक जो है वीक बेस बोलते हैं। हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि क्षार के गुण। सबसे पहले देखिए, अम्ल होते हैं खट्टे और ये होते हैं कड़वे, यानी कि बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं। जब इनको छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साबुन को छूते हैं ना, हाथ स्लिप सा होता है, उसी तरह ये होते हैं स्लिपरी टू टच, जब इसे टच करते हैं तो स्लिप सा होता है। और एसिड जो क्या करते थे, वो ब्लू लिटमस को रेड करते थे, मगर ये बेस क्या करते हैं, ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और एसिड जो थे वो गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये भी गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इसका ये आ जाता है कि जब एसिड यानी कि बेस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो ये देते हैं साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर,
ये प्रॉपर्टी एसिड के साथ भी थी। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है साल्ट एंड वाटर देता है। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉपर्टी इसकी और है, ये जब एसिड सॉरी यहाँ बेस है, जब बेस रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो ये गिव राइज्ड साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है सेम एज इट इज एसिड के अंदर भी है। तो ये सारे जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ बेस, बेस यानी कि क्षार के उपयोग क्या क्या है। तो पहला तो ये होता है इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स में सफेदी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स। सेकंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है ये। थर्ड हमारा है इट इज यूज टू मेक या मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुन बनाने में काम आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सोप। इट इज यूज इन मेकिंग नायलॉन प्लास्टिक पेपर रेयन ईटीसी, यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन पेपर प्लास्टिक्स ईटीसी, इनको बनाने का इस्तेमाल किया जाता है इसे।